जय जोहार, स्वागत है आप मन के न्यूज 36 से छत्तीसगढ़ के आवाज में। तो चला आज के खबर ला विस्तार ले देखो। बिलासपुर जिला में स्कूल में दवा खिलाए के बाद कुछ लइकन ला ओखर विपरीत प्रभाव देखे बर मिली, जेखर ले 16 लइका मन ला स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करे ला पड़ गई। ये मामला रतनपुर के ग्राम सिलदहा में देखे बर मिली। देखो ये रिपोर्ट। रतनपुर के नजदीकी ग्राम सिलदहा के प्राथमिक शाला में आयरन फोलिक एसिड के दवा खवाए के बाद लगभग 16 लइकन ल रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए बर पड़ गई, जेमा ये लइकन के द्वारा दवाई खाए के बाद उल्टी, सिर दर्द, पेट दर्द और चक्कर आए जैसे शिकायत बताई गई। जी हाँ, मध्यान्ह भोजन के बाद लगभग 91 लइकन ल आयरन के गोली खवाए गए रहिसे। ये दौरान प्रधान पाठक सौखी लाल सोरठे के अनुसार वहाँ स्वास्थ्य विभाग के कोनो अमला उपस्थित नहीं रही। गोली खिलाए के कुछ समय बाद लइकन के अचानक तबीयत बिगड़े लगी। स्थिति ल देखत स्कूल के प्रधान पाठक के होश उड़ गई और उनखर द्वारा तत्काल शैक्षणिक समन्वयक, गांव के सरपंच और कुछ लइकन के पालक ल ये बात के सूचना दिए गई। रूल्स के अनुसार पे हम लोग मध्यान्ह भोजन खाना खिलाने के बाद बच्चों को एक घंटे के बाद आयरन फ्लोरी की गोली खिलाए हैं। उसमें 91 बच्चे के लगभग हम लोग खिलाए हैं, उनमें से 16 बच्चे का तबीयत कुछ सिर दर्द है, पेट दर्द हुआ, जिसके बाद तत्काल हम अपने शैक्षिक समन्वयक को अवगत कराए हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच को अवगत कराए हैं, दो चार बच्चों का पालक को अवगत कराए हैं। इसके बाद तत्काल 112 को अवगत कराएं और स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर में ला करके बच्चों को दर्ज कराएं। सूचना के बाद आनन फानन में तुरंत 112 ला स्थिति के सूचना दिए गई, जेखर ले बीमार लइका मन ला एम्बुलेंस के सहायता ले तत्काल नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर में भर्ती कराए गई। जी हाँ, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अविनाश सिंह और उनकर टीम के द्वारा प्राथमिक उपचार में जुट गई, जेमा इलाज के कुछ घंटा बाद लइकन के स्थिति ला सामान्य बताई गई। सिलदहा से प्राथमिक शाला के बच्चे लोग करीब 16 उनकी संख्या में थे, तो वो विब्स के तहत जो आयरन फोलिक एसिड की जो गोली वितरण करते हैं हमने मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को उसका उन्होंने सेवन किया और सबको चक्कर और उल्टी का चक्कर और पेट दर्द का लगा लक्षण उन्होंने कंप्लेन लेके अस्पताल पहुँचे, सबको प्राथमिक उपचार दे दिया गया। अभी सब इसकी सामान्य है। लगभग कितने बच्चे हैं? लगभग करीब 16 बच्चे हैं यहाँ पर। किसी की स्थिति को सब स्थिति सब सामान्य है, सबको कोई भी स्थिति से चिंताजनक नहीं है। गोली खाने के बाद उसका क्या लक्षण कम है? गोली खाने के बाद सबका एक ही कंप्लेंट था कि मेरे को चक्कर आ रहा है, पेट दर्द दे रहा है और उल्टी किसी को नहीं हो रहा था और सब स्थिति सामान्य थी, हमने प्राथमिक उपचार कर दिया है। ये दौरान रतनपुर के नायब तहसीलदार सूर्य प्रकाश केसकर घलो स्वास्थ्य केंद्र में पहुँच के लइकन के स्वास्थ्य संबंधित स्थिति के जायजा लिही और चिकित्सा प्रभारी ले ये संबंध में चर्चा करके उनखर आवश्यक उपचार करे के भी बात कही और उक्त दवाई मन के एक्सपायरी डेट और बेच नंबर के जाँच करी, जेमा सही पाए गई। जानकारी मिली कि सिलदहा ग्राम पंचायत से 15 बच्चों का तबियत खराब होने के और एक साथ भर्ती होने के संबंध में मुख्य CHC में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में अभी हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि बच्चे अभी स्थिति सामान्य है और फोलिक एसिड आयरन की टेबलेट खाए थे तो उसमें कुछ खास सिम्टम नहीं आया है। कुछ बच्चों को सिर दर्द वगैरह, पेट दर्द की समस्या थी तो एसिडिटी का दवाई दिया गया है। अभी सभी बच्चे नॉर्मल हैं और ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं है। इस संबंध में डॉक्टर से बात की, क्या कहा? डॉक्टर का रिस्पांस पॉजिटिव है और बच्चे स्वस्थ हैं, ऐसा डॉक्टर के द्वारा जानकारी दिया गया है। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर में उपचारार्थ दो लइकन सौम्या तिवारी कक्षा 3 और भावना तिवारी कक्षा 4 में है, जिनखर माँ भी वहाँ पहुँचे रही से उनखर कना जानकारी लिए गई तो कहीस के ये बात की जानकारी ओमल्ला लइकन के माध्यम ले मिली, न कि स्कूल से। तिवारी भावना तिवारी कौन सा क्लास में? भावना तिवारी कक्षा 4 में है और सौम्या तिवारी कक्षा 3 में। क्या दिक्कत? उन लोग को पता नहीं, हम लोग को पता नहीं थे, अब अचानक बच्चे लोग जाके बताए हैं कि वहाँ उन लोग को 112 में लेके गए हैं करके, तब हम लोग सुन के आए हैं यहाँ।
हम लोग बताए कि कोई गोली खाया है उसकी वजह से फिर और पेट में दर्द है गर्मी। स्कूल से आपको जानकारी दी गई? नहीं मिला है अभी स्कूल से, फोन किए थे सर को तो फिर बताया कि ले जा रहे हैं हम लोग करते। अभी बच्चों की स्थिति क्या है? अभी तो बच्चे की स्थिति ठीक है, सब बच्चे ठीक लग रहे हैं जितना जगह है वो दिख रहे थे। उपचार के 2 घंटा बाद जम्मो लइकन के स्थिति डॉक्टर के द्वारा सामान्य बताए जावत थे। और उनखर कहना है कि कभू कभू कुछ लइकन में ऐसा दुष्प्रभाव देखे बर मिलते। रतनपुर ले डिजिटल रिपोर्टर गुरुदेव सोनी की रिपोर्ट।